अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल फ्लेवर रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे नमकीन, वो भी घर के कुछ चीज़ों से, और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी, बहुत आसान रेसिपी है। इसके लिए देखिए, हमने सबसे पहले ये लाई ली है, आप इसको मुरमुरे कहते हैं या चुरमुरा जो भी। ये देखिए, हमने इसको छन्नी में इसलिए रखा है कि इसको छान ले और नीचे से गर्दा जो इसमें बारीक होते हैं इसके, ये देखिए निकल गया है। ये 150 से 200 ग्राम है। ये थोड़े से हमने बादाम लिए हैं, 10-15 पीस हैं। ये थोड़ी सी ही काजू है, आधी कटोरी है। थोड़ी सी किशमिश है। ये एक कटोरी भर के हमने 100 ग्राम के करीब मूंगफली का दाना लिया है, कच्ची मूंगफली है। ये एक कटोरी बड़ी मखाना, ये पूरा हमने करी पत्ता लिया हुआ है। और थोड़ी सी ही ये हमने नारियल सूखी गरी बड़े बड़े काट के रख लिए हैं। अब सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे। सबसे पहले हम कढ़ाई में मखाना को सूखा भूनेंगे। इसमें घी तेल नहीं डालेंगे, हम सिर्फ 1-2 चम्मच घी में बनाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है और बिना घी तेल के। इसको हल्का हल्का सेकेंगे जब तक ये कुरकुरा हो जाए। इसको चलाते रहेंगे बराबर। सबसे पहले हमने देखिए मखाना भूनेंगे, वो भी बिना तेल और घी के। इसको धीमी आँच पे 5 मिनट तक भूनेंगे जब तक ये बिल्कुल कुरकुरा हो जाए। कुरकुरा हो जाएगा तब हम कढ़ाई से इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, मखाना हमारा एकदम कुरकुरा हो गया। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब इसमें हम ऐसे ही सूखी लाई को भूंजेंगे। इसमें अभी तेल नहीं डालना है। इसको भी धीमी आंच पे थोड़ी देर भूंजेंगे। जब ये भी कुरकुरी हो जाएगी तब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, हमारी लाई भुन गई है, एकदम ये कुरकुरी हो गई। देखिए, दबाने से एकदम चूर चूर हो गई। अब हम इसको निकाल लेंगे एक बर्तन में और बाकी सामान को इसमें भूनेंगे। ये देखिए, हमने कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाला है, खाली छोटे चम्मच से। देसी घी है, आप चाहें तो तेल भी डाल सकते हैं। सिर्फ ये 2 चम्मच में बहुत अच्छी नमकीन बनेगी। इसको अब हम हल्के ही आँच पे थोड़ी देर भूनेंगे, तेज़ आँच नहीं करेंगे, नहीं मूँगफली जल जाएगी। धीमी ही आँच पे भूनना है। आपको जल्दी है तो थोड़ा मीडियम कर सकते हैं, लेकिन तेज़ मत करिएगा, तेज़ करने से मूँगफली जल जाएगी। देखिए, मूँगफली के चटकने की आवाज़ आने लगी है। अब इसमें हम ये करी पत्ता डाल देंगे। इसको धीमी ही आँच पे भूनेंगे। अब इसमें हमने बादाम डाल दिया है। बादाम को भी इसके साथ भूनेंगे। काजू भी डाल दिया। गरी भी हमने डाल दिया। किशमिश और अभी खरबूजे का बीज है, उसको थोड़ी देर बाद हम डालेंगे। इसको 5 मिनट भूनेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा मसाला डालेंगे। सबसे पहले हमने 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच से कम ही डाला है। आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा नमक कर सकते हैं। इसमें हमने 1/2 चम्मच लाल मिर्च डाली है। अगर आपको कलर चाहिए तो आप कश्मीरी मिर्च 1 चम्मच डाल सकते हैं। हमने तीखी वाली डाली इसलिए थोड़ी सी डाली है। आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़ा सा ही इसमें, ये देखिए, हम 1/2 चम्मच चाट मसाला डाल रहे हैं। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आपको बिल्कुल बाज़ार जैसे नमकीन खरीदते हैं बिल्कुल वैसे ही टेस्ट रहेगा। इसको बराबर हमको चलाते रहना है। अभी इसको मसालों को भूनेंगे, मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, तब इसमें हम और चीज़ें मिलाएंगे। अब हम इसमें किशमिश, ये तरबूज के बीज,
और मखाना डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 मिनट मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ी सी जो लाई हमने नहीं भूनी थी उसको मिला के इसमें थोड़ी देर भूनेंगे। इसको अच्छे से धीमी ही आंच रखना है हमको। इसको 2-3 मिनट और भूनेंगे जिससे अच्छे से मसाला मिल जाए। इसको हमको तब तक भूनना है 2-3 मिनट जो हमने बाद में लाई डाली है वो भी कुरकुरी हो जाए। और अगर आपको खट्टा मीठा पसंद है तीखा तो इसमें 1 चम्मच पिसी हुई चीनी डाल दीजिए तो इसका और टेस्ट बढ़ जाएगा। हमने नहीं डाली है अगर आपको पसंद है। बहुत से लोगों को खट्टा मीठा पसंद होता है। हमने सिर्फ इसमें किशमिश डाली है। अब देखिए ये अच्छे से मसाला मिक्स हो गया है। अब इसको हम जो हमने लाई पहले से थोड़ी अलग भून के रखी है क्योंकि कढ़ाई छोटी है तो इसलिए हमने उसको अलग उसको इसमें नहीं मिक्स करेंगे। जिस बर्तन में हमने रखा है उसी में इसको डाल के मिक्स करेंगे। ये देखिए लाई हमारी ये भी भून गई है। अब हम इसको गैस ऑफ कर देंगे और इसको मिला देंगे उसी में। ये देखिए हमारी नमकीन तैयार है। हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है क्योंकि जो हमने पहले इसमें मसाले ज़्यादा थे लाई जो बाद में रखी। देखिए घर में सभी के सारे सामान होते हैं। आपको जो नहीं पसंद है जैसे कुछ लोग को किशमिश नहीं पसंद है या गरी नहीं डालना चाहते आप अपनी मर्ज़ी से निकाल सकते हैं। और बहुत ही आसान और हेल्दी है स्नैक ये। आप शाम के चाय के साथ जब भी मन चाहे हल्का नाश्ता है और हेल्दी भी है खा सकते हैं। इसको ठंडा करके स्टोर कर लीजिए, महीने भर खाइए। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए और मेरे ख्याल से पसंद ज़रूर आएगा। एक बार ट्राई ज़रूर करिए। बहुत ही आसान रेसिपी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।